मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद राहत और बचाव कार्य चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर प्रदेश की स्थिति के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने बेतवा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए विदिशा जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कैंपों के बारे में जानकारी दी। सीएम ने भारी बारिश से प्रभावित जिलों रायसेन, गुना, राजगढ़, सागर, भोपाल सहित अनेक जगहों के हालातों के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। इसके बाद सीएम ने मंत्री तुलसी सिलावट की मौजूदगी में कृषि, स्वास्थ्य, गृह, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसके बाद सीएम विदिशा के कुरवाई शहर और भिंड, मुरैना, चंबल इलाके का हवाई सर्वे करने निकल पड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर, बांधों की समीक्षा की। सीएम ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के साथ बैठक में मौजूद अफसरों से कहा, पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि पेयजल, बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए तेजी से प्रयास करें। कई जगह खंभे टूटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं, इन्हें ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे। कई स्थानों पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिया टूटे हैं, इन्हें ठीक करने के लिए जुट जाएं। बीमारी नहीं फैले इसके लिए दवा छिड़काव से लेकर साफ सफाई को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, मेडिकल टीम गठित कर गांव-गांव और शहर पहुंचकर जरूरी दवाएं बांटने के लिए विभाग जुटे। युद्ध स्तर पर फसलों का नुकसान, मवेशियों का नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट भेजें। सीएम ने कहा, विभागों का जो भी अतिरिक्त अमला लगना है विभाग समीक्षा कर प्रभावित क्षेत्रों में भेजें। मैन पावर, मशीन जो भी लगना है लगाएं, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में दवा वितरण, भोजन वितरण आदि आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार से बाढ़ पीड़ितों को जल्दी मुआवजा दिलाने की मांग की है। पीसीसी चीफ ने ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुई अतिवृष्टि से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोग बेघर होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, गृहस्थी एवं खाने पीने का सामान बह गया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भीषण संकट व मुश्किल के इस समय में सरकार तत्काल राहत कार्य शुरू करवाए, प्रभावितों की हर संभव मदद की जाए, सर्वे का काम जल्द से जल्द कर पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया जाए। अभी मैंने विदिशा, गुना और राजगढ़ जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया। लगभग 25 गांव विशेषकर विदिशा जिले में ज्यादा हैं, लेकिन गुना में भी, राजगढ़ में भी कुल मिला के 25 गांव पानी में घिरे हुए हैं। बेतवा का जल स्तर अभी कुछ जगह स्थिर है, लेकिन गांव गड़ला, ताजला जैसे गांवों में ग्रामीण बुरी तरह से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, हम वोट के माध्यम से भी निकाल रहे हैं लोगों को। एक ऑपरेशन में स्वयं मैं गया, वोट के माध्यम से लोगों को निकाल के लाए, और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी, दो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के ऑपरेशन में लगे हैं। एनडीआरएफ लगी है, एसडीआरएफ लगी है, जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी और स्थानीय जो हमारा प्रशासन है वो पूरी ताकत से लोगों को बचाने में और निकालने में लगा हुआ है। संपत्ति के नुकसान का आकलन हम बाद में करेंगे, क्योंकि फसलें भी डूबी है और घर भी डूबे हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता है लोगों की जिंदगी बचाना। अभी एक बार मैं फिर कुरवाई तक विदिशा जिले में अभी फिर जा रहा हूँ, रायसेन जिले से लौटते हुए वापस आऊँगा, और गड़ला, ताजला जैसे गांव में लोगों को कन्वेंस करने का हम प्रयास करेंगे कि वो आज रात के पहले बाहर निकले, क्योंकि